ये सबसे पहले तो 9 मई पे ही देखते हैं कि अभी वैसे हम आपके घर आए तो आपने कहा कि ये घर जो है ये टूटा हुआ था, अभी ठीक करवा रहा हूँ, तो क्या जरूरत पेश आई? ये घर क्यों टूटा हुआ था, क्या हुआ था यहाँ? आपको भी पता है पूरा एक साल जो गुजरा है मैंने तो उस चीज़ को हाईलाइट भी नहीं किया है, तो थैंक यू आप मेरे घर तशरीफ़ ले आए बड़ाई साहब और आपने मौका दिया। लेकिन बात यह है कि 9 मई जो है ना जी, मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक मुतनाज़ तरीन वाक़या है अच्छा पाकिस्तान की तारीख का। देखें इसमें आप किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि किसका कसूर है, यानी एक जमात को पोट्रे किया गया कि ये जमात नहीं ये दहशत गर्द है, वही जमात जो कि उससे चंद महीने पहले इस मुल्क और सूबे में हुक्मरानी कर रही थी, उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। अच्छा इस वाक्य की अगर आप जितना इसकी डेप्थ में जाएंगे भाई साहब तो आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो 9 मई में बेगुनाह जो होते हैं दूध के धुले हो जाते हैं, जो अपनी जमात के साथ खड़े हैं उन पर जुल्म सतम हो रहे हैं। और 9 मई जिस वक्त हुआ है जी सिर्फ आप लाहौर को देख लें, लिबर्टी से जुलूस चला है या लोग थे या लोगों में गुस्सा था, डेफिनेटली जिस तरह एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर को जिस तरह पकड़ा गया आपके भी सामने था, क्या जरूरत थी उस वक्त ये सारा एटीट्यूड करने की? देखिए इतने बड़े लीडर्स को हाउस अरेस्ट भी तो किया जा सकता है, उसके बाद लिबर्टी से लेके जिना हाउस तक दरमियान में आपको कोई पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। वही पुलिस 10 मई को हर किसी के घर में घुस गई थी। आज 9 मई है, आज मेरे अपने जिले में जगह जगह पर पुलिस है बंदे ही नहीं निकलने दिया, तो क्या उस वक्त पुलिस ये 2-4 हज़ार बंदा नहीं रोक सकती थी? यानी 9 मई वाले 9 मई की जो बरसी है उस पे भी लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, आज निकलना चाह रहे थे, लोगों को रोका गया है, घरों में छापे मारे गए हैं, सब कुछ हुआ है। मियांवाली में भी ऐसा, मियांवाली में भी हुआ है, मेरे पास वीडियो है हमारे उधर जो अहदेदार है उनकी। सर बात यह है कि हमारा एक सीधा सा मुतालबा है जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। 9 मई का हम भी कहते हैं कि गलत हुआ है, आप ये कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा मिलनी, उनको सजा मिलनी चाहिए जो लोग मुलव्वस हैं जुडिशियल कमीशन के बाद। आज दिन तक आप देखें, आज दिन तक चलान समिट नहीं हुए, एक एक साल है, 70-70-80-80 साल की बुजुर्ग औरतें हमारी बुजुर्ग हैं, अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, देखिए ये लोग साल साल हो गए इनकी जमानतें नहीं। तो मलिक साहब ये जो सारा सिलसिला हुआ है 9 मई, आखिर कोई लोग तो थे जो वहाँ पर गए? मियांवाली में भी बहुत कुछ हुआ वहाँ पे, आप कहाँ पे थे उस दिन, क्या हुआ था? देखिए जी मेरी बात सुनें, मियांवाली में जो लोग थे वो ऑलमोस्ट उसी जगह पे जहाँ पे हम एहतजाज करते वहीं पर ही थे। अच्छा मैं तो खैर उस दिन उस वक्त उधर नहीं था। अब मियांवाली नहीं थे उस वक्त? दूसरी बात यह है सर कि बात एहतजाज की नहीं है, पार्टी एहतजाज करती है, पुरमन एहतजाज, उससे पहले कितने एहतजाज हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? 9 मई में मुझे इतना बताया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बड़ाई साहब आपको पता होगा कि जो सेफ सिटी का जो लाहौर का प्रोजेक्ट है दुनिया के चंद महंगे तरीन सिस्टम इधर लगे हुए हैं, आज दिन तक कोई सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं सामने आया? इंडिपेंडेंट मखसूस वीडियोस बनी हुई हैं लोगों की, वो वीडियोस के जरिए तो गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए अब वीडियोस में हमारे पास भी वीडियोस हैं, अब क्यों कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए? देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं कि डिटरमिन किया जाए उन किरदारों को। नकवी साहब उस वक्त निगरान वजीर आला थे, सो कॉल्ड निगरान वजीर आला थे, और IG पंजाब जिसको आज तमगे दिए जा रहे हैं, कहीं भी आपको पुलिस उधर नजर आती है? देखिए यहां से कुर्बान लाइन पूरी खड़ी है सामने,
कुर्बान लाइन में 3,000 थे पुलिस जवान, कुर्बान लाइन में 3,000 तो मौजूद होते हैं। तो आप ये कहते हैं कि पुलिस ने चूंकि रोका नहीं तरीके इंसाफ को, तो ये अरे प्री प्लान था। इसके बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी यही है जो गवर्नमेंट में है, उस वक्त भी उन्हीं की गवर्नमेंट थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ। उस वक्त जो आप क्या समझते हैं कि 9 अप्रैल के बाद आज दिन तक जो ये एपिसोड चल रहा है, हम तो समझते हैं कि बेसिकली ये गवर्नमेंट एक ही है, चाहे ये केयरटेकर का दौर था, चाहे शहबाज शरीफ का दौर था, नीचे नकवी का दौर था, या अब चल रहा है ये गवर्नमेंट हमारे नज़दीक तो एक ही है। ये उन्हीं की नाअहली की वजह से यह सारा कुछ हुआ। और 9 मई के फिर जिम्मेदार आपकी, अगर मैं सारी थ्योरी मान लूँ तो 9 मई के जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं, मोहसिन नकवी हैं, IG पंजाब हैं, IG पंजाब ये जिम्मेदार है। बिल्कुल ये जिम्मेदार। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कुछ नहीं कहना हमने? वो जो कारकुन निकले, जिन्होंने जाके पेंटें निकाली, जाके कोर कमांडर के घर घुस गए, उनको भी तो हमें कुछ कहना है। मेरी बात सुनिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, उनको घुसने क्यों दिया गया? देखिए जब एक मुआब होता है ना, मुआब मेंटेलिटी और चीज़ है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, मेरी अरस सुन जी, 200 बंदे इधर इकट्ठे हैं ना, एक होती है आपकी जाती मेंटेलिटी, एक होती है मुआब मेंटेलिटी। उसमें लोग लेके जाते हैं, कुछ लोग शरारती घुस जाते हैं, मैं मानता हूँ, बट उनको किसी ने रोका क्यों नहीं? हम ये हमारा एक है कि देखें, जब ये मुआब इकट्ठा हो जाता है तो किसी लीडर की किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है। एक एक्शन का रिएक्शन था, उनके लीडर को पकड़ा गया, हमारे लीडर को पकड़ा गया। जिस तरह हमारे लीडर को घसीट के, आप फुटेजेस देख लें, जिस तरह वहाँ से एक इतना यार इतना बड़ा लीडर है, और उसके अलावा उसकी कितनी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, उसके अलावा भी देख लें, उसको आप इस बुरे तरीके से ले के आ रहे हैं प्रिजन वैन तक, तो लोगों में ये तो उन्होंने खुद किया। और खान साहब कहते हैं कि जब मैं अंदर गया हूँ तो उनका रवैया ही तब्दील हो गया था प्रिजन वैन के अंदर। उन्होंने अगले दिन ये भी तो कहा कि मुझे पकड़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। देखिए अगर आपको जुल्म करेंगे, जब फिर उसका जवाब आया, जो कोई जुल्म करता है तो लोग तो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। मैं एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम बैठे हैं आपके घर पर बैठे हैं, आपका कोई बयान है, मुस्लिम नून के लोग मुश्तिल हो जाते हैं, 200 लोग घर के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ करते हैं, किसी को ज़ख्मी करते हैं, तो क्या उस वाक्य की सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दी जाए कि आप उनको रोक नहीं सके? सर मेरी बात सुन, मेरे घर में और उस हिसास जगह में बड़ा फ़र्क है। देखें एक टेरिटरी फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, सर आप उसे की मुताबिक टेरिटरी फ़र्ज़ करें। देखें अगर कोई उस जगह पे जिना हाउस में जा रहा है लिबर्टी से निकल, तो दरमियान में रोकने की कोशिश हुई ना, जहाँ पे नासिर रिज़वी साहब की आंख चली गई, बड़ा इस्लामाबाद के IG हैं, आज उन्होंने खिताब भी किया। हाँ बड़ाई साहब, कोई भी रोकने की कोशिश नहीं, कोई 2-4 पुलिस वाले आए, 10-20 आए, आप पूरी दिखा दें। अच्छा मुझे अभी आप यहाँ से आए, अंदर आप जाएं अपना उसे कैंप में दाखिल हों जी, मेरे ख्याल में आपको 15 मिनट तो लगेंगे कैंट में दाखिल होते होते।